So guys, आप लोग मेरे को 1000 रुपए दे दीजिए तो मैं आप लोगों के चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट करवा दूंगा, और अगर आप लोग मेरे को 4000 रुपए देते हैं तो मैं आपके चैनल के ऊपर 4000 तक का वॉच टाइम जो है वो भी कंप्लीट करवा दूंगा। So guys, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे ही न्यू यूट्यूबर्स होंगे यूट्यूब के ऊपर जिन्होंने न्यू चैनल क्रिएट किया है और वो चाहते हैं कि मेरे चैनल के ऊपर जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 तक का वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाए। सो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के लिए वो न्यू यूट्यूबर्स जो होते हैं वो बहुत सारी ट्रिक्स बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, इवन कि यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वीडियोस जो हैं वो आप लोगों को मिलती हैं। इवन कि अगर आप लोग कहीं भी चले जाएंगे फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम तो वहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको लोग मिल जाएंगे जो आप लोगों को ये कहेंगे यार मेरे को 1000 दे दो तो आपके 1000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, आप लोग मेरे को 4000 दे दो तो आपके 4000 घंटे जो हैं वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं और साथ ही साथ मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं जिनकी हेल्प से आप लोग अपने चैनल के ऊपर इजीली 1000 सब्सक्राइबर और 4000 तक के वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट कर सकते हो विदाउट किसी को पैसे दिए या फिर किसी भी चीज़ को फॉलो किए बिना। बट आप लोगों को मेरी ये वीडियो एंड तक देखनी होगी ताकि हर एक स्टेप जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के चैनल के लिए भी ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप लोग इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो आई एम श्योर कि आप लोग जल्दी से जल्दी अपने चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 तक का वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं कोई भी क्राइटेरिया आप लोगों को नहीं बताऊंगा बिकॉज कि गाइस आप लोगों ने बहुत सारा देखा होगा यूट्यूब के ऊपर आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी जिनके अंदर ये कहा जाता है यार 15 दिन में आपके 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, आपके 10 दिन में मैं 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो गाइस ऐसा जो है वो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, वो नहीं कहने का एक रीज़न है बिकॉज अगर हम लोग यूट्यूब के ऊपर चले जाएँ तो यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम लोग जितना ज़्यादा काम करेंगे उतने ही जल्दी मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट होंगे और 4000 का जो वॉच टाइम है वो भी कंप्लीट होगा। तो लोग बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को फॉलो करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही कहा कि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी ट्रिक्स आप लोगों को ऐसी मिल जाएंगी, बट उन ट्रिक्स के क्या क्या साइड इफेक्ट्स रहते हैं आपके चैनल के ऊपर या फिर उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है आप लोगों के चैनल के मोनेटाइजेशन होने से पहले और मोनेटाइजेशन होने के बाद में क्या क्या चीज़ें रहती है, तो वो आज की इस वीडियो में हम लोग वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस वीडियो के साथ जुड़े रहेगा एंड तक। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो यार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं ऐसी ही वीडियोज़ जो है वो लेकर आता रहता हूँ। तो आप लोगों को यूट्यूब के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। सो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइस जब भी हम लोग कोई चैनल क्रिएट करते हैं सबसे बड़ी गलती जो हम लोग अपने चैनल के ऊपर करते हैं वो ये करते हैं कि हम लोग अपने चैनल के ऊपर ध्यान देने के बजाय उसके कंटेंट के ऊपर ध्यान देने के बजाय हम लोग अपना सारा ध्यान जो है वो सब्सक्राइबर्स गेन करने में और वॉच टाइम को गेन करने में लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा कंटेंट इतना अच्छा नहीं हो पाता है, हमारा चैनल देखने में इतना अच्छा नहीं लग पाता है। अब आप लोगों ने गाइस सबसे पहले क्या करना है, आप लोग सब्सक्राइबर को छोड़ दीजिए वॉच टाइम को छोड़ दीजिए ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है अपने चैनल के ऊपर बिकॉज आपका चैनल देखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए, जैसे कि आप लोगों का चैनल आर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं वो एक अट्रैक्टिव होना चाहिए, आपके चैनल का लोगो अच्छा होना चाहिए, आप लोग चैनल के ऊपर जो वीडियोज डाल रहे हैं जो वीडियोज अपलोड कर रहे हैं वो अच्छी होनी चाहिए वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मेरे चैनल के ऊपर अगर आप लोग देखोगे इतने ज्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है, बट जो वीडियो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ इस वीडियो को अगर आप लोग देखेंगे तो इसके ऊपर 3 लाख के करीब तक के व्यूज जो हैं वो आ चुके हैं। हालांकि आप लोग देखेंगे तो मैंने स्टार्टिंग में सब्सक्राइबर्स के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ना ही मैंने अपने वॉच टाइम के ऊपर ध्यान दिया, सिर्फ मैंने ध्यान दिया था अपने कंटेंट के ऊपर और कंटेंट अच्छा रहने की वजह से आज मेरे चैनल के ऊपर इतनी जल्दी से सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो रहे हैं और इतने ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं कि आप लोग इसको चैनल के ऊपर जाकर खुद देख सकते हैं। अब अगर आप लोग बात करें अपने चैनल के ऊपर तो गाइज आप लोगों ने करना क्या है, जब भी आप लोग कोई वीडियो अपलोड करें उसका थंबनेल अच्छे से लगाएं, उसके अंदर जो कंटेंट है वो आपका अच्छा होना चाहिए बिकॉज जितना अच्छा कंटेंट और जितना अच्छा थंबनेल आपका होगा आपके चैनल के ऊपर आपकी वीडियोस के ऊपर उतने ही ज्यादा व्यूज आएंगे और उतने ही ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी आप लोग अपने चैनल के ऊपर गेन कर पाएंगे जैसे मैंने की। अब गाइस आप लोग दूसरी गलती अपने चैनल के ऊपर सबसे बड़ी क्या करते हैं कि आप लोग जब कोई चैनल क्रिएट करते हैं आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं या फिर आप लोग कुछ ऐसे ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया आप लोग सबको ज्वाइन करते हैं, आप लोग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेते हैं और उनमें उन सब्सक्राइबर्स को आप लोग बोलते हो कि आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह आप लोग 1000 सब्सक्राइबर्स तो गेन कर लेते हैं बट वॉच टाइम जो 4000 तक का वॉच टाइम जो है वो आपके चैनल के ऊपर गेन नहीं हो पाता है। उसका रीजन क्या होता है, जब आप लोग जिनको सब फॉर सब के लिए आप लोग ग्रुप ज्वाइन करते हो या फिर आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर अपनी वीडियो शेयर करते हो या फिर आप लोग अपने फ्रेंड्स को बोलते हो तो वो आपके चैनल के ऊपर जो सब्सक्राइबर्स हैं वो एक्टिव सब्सक्राइबर्स नहीं होते, यानी वो सब्सक्राइबर्स नहीं होते जो आपकी वीडियोस को देखें,
यानी सही में देखा जाए तो हमें ऐसे सब्सक्राइबर्स चाहिए जो मेरी वीडियो को वॉच करें, जिससे क्या होगा मेरी वीडियोस के ऊपर वॉच टाइम आएगा और मेरी वीडियोस का रीच जो है वो भी इंक्रीज होगा और यूट्यूब आपकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेंड करेगा और वो लोग जब आप लोगों की वीडियोस को देखेंगे आपके चैनल पे आएंगे, आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, आपके चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट होंगे और साथ ही साथ आपके चैनल के ऊपर वॉच टाइम भी जो है वो भी इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं कि उन वीडियोस को बनाने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करने लग जाते हैं, अपनी फेसबुक पे शेयर कर देते हैं, अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे आप लोग वीडियोस तो शेयर करते हैं, उनके ऊपर व्यूज तो आते हैं, बट वॉच टाइम जो है वो नहीं आ पाता है। बिकॉज वीडियो के ऊपर वॉच टाइम आना जो है वो बहुत जरूरी है ताकि आप लोग अपने चैनल के ऊपर 4000 तक का वॉच टाइम जो है वो कंप्लीट कर पाएं। अब आप लोगों ने करना क्या है इसके लिए, आप लोगों ने सबसे पहले अपने वीडियोस के अंदर कंटेंट, जैसे मैंने बताया कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरी थिंग, आप लोगों ने अपने चैनल के ऊपर जब वीडियोस अपलोड करनी है तो वीडियोस अपलोड करते समय उसके टैग्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जितने अच्छे आपके टैग्स होंगे आपकी वीडियो उतनी ही ज़्यादा वायरल भी होगी और उतनी ही ज़्यादा रीच भी आपकी वीडियोज़ की रहेगी, यानी वीडियोज़ का अंदर टैग्स लगाना आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग अपने चैनल के ऊपर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसको अपलोड करने के बाद एज इट इज यहाँ पे रहने दीजिए। बिकॉज अगर आप लोग उस वीडियो को शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेंड करेंगे, वो लोग आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक तो करेंगे बट वीडियो को पूरा वॉच नहीं करेंगे, जिससे क्या होगा वीडियो के ऊपर वॉच टाइम जो है वो बहुत कम आना शुरू हो जाएगा और YouTube आपकी वीडियो को आगे सेंड नहीं करेगा। आप लोग वीडियो अपलोड करिए, उसको चैनल के ऊपर एज इट इज रहने दीजिए और YouTube के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो आपकी वीडियोस को आगे पहुंचाए। बिकॉज YouTube की एक बेसिक स्ट्रैटेजी रहती है कि जब हम लोग कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो वीडियो पहले चेक होती है कि आपकी वीडियो किसके रिलेटेड है। जैसे कोई कंटेंट अगर टेक्निकल टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है तो आपकी वीडियो जो है सिर्फ उन्हीं लोगों तक जाएगी जो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं। जब आप लोग कोई वीडियो बनाते हो और वीडियो को अपलोड करके सेंड करते हैं ऐसे लोगों को जो टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपकी वीडियो को देखेंगे, क्लिक करेंगे एंड देन क्लोज कर देंगे, जिससे क्या होगा वॉच टाइम आपका डिक्रीज हो जाएगा और आपकी वीडियो के ऊपर जो ऑडियंस रिटेंशन है वो आपकी कम होती जाएगी और वीडियोस आपकी आगे बढ़ेंगी नहीं। अब इससे क्या होगा कि आपके चैनल की वीडियोस नहीं बढ़ेंगी तो आपके चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स भी नहीं आएंगे। अब आप लोगों ने यहाँ पे करना क्या है कि आप लोग अपलोड कर दीजिए और उसको एज इट इज रहने दीजिए और सब चीज़ें YouTube के ऊपर छोड़ दीजिए। बिकॉज जब आप लोग कंटेंट अच्छा रखेंगे, आप लोग अच्छे से काम करेंगे तो ऑब्वियस है YouTube भी आपकी वीडियो को आगे प्रमोट जरूर करेगा। आप लोगों को कहीं भी कोई भी ट्रिक फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे आप लोगों ने बहुत बार ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके चैनल के ऊपर 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 10 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, 50 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, बट अगर आप लोग उनकी वीडियोस के ऊपर वॉच टाइम या फिर व्यूज़ देखेंगे तो वो नियर अबाउट 500 व्यूज़, 1000 व्यूज़, 1500 व्यूज़, ऐसे व्यूज़ आप लोगों को उनके वीडियोस के ऊपर मिलेंगे। अब उसका रीज़न क्या होता है, क्यों इतने कम व्यूज़ आते हैं जबकि सब्सक्राइबर्स तो उनके ऊपर 1 मिलियन, 10 लाख, 50 लाख तक के आपके सब्सक्राइबर्स हैं बट व्यूज़ जो हैं वो बहुत कम आ रहे हैं। उनकी यही गलती होती है जो वो स्टार्टिंग में कर देते हैं कि अपने चैनल को उन लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं जो कि उनके चैनल के ऊपर एक्टिव सब्सक्राइबर्स नहीं होते। अब वो जो आपके सब्सक्राइबर्स वहाँ पे आपके पास हैं वो आपकी वीडियो को वॉच नहीं करेंगे और आपकी वीडियोस के ऊपर वॉच टाइम भी नहीं आएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने अपने चैनल के ऊपर इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स नहीं गेन करने हैं, आपको आपके चैनल के ऊपर एक एक्टिव सब्सक्राइबर्स जो हैं उन्हीं को लेकर आना है। बिकॉज आपके चैनल के ऊपर व्यूज़ आना और वॉच टाइम आना बहुत ज़रूरी है। अब इसका इफेक्ट आपके चैनल के ऊपर कैसे पड़ता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ गाइज। जैसे कि आप लोगों ने गाइज बहुत सारे ऐसे चैनल्स देखे होंगे जिनके ऊपर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, 50 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और इन इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी अगर आप लोग उनकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ देखेंगे तो वो बहुत ही कम है। जैसे कि मेरा चैनल ले लीजिए, मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स बहुत कम है बट अगर आप लोग मेरे चैनल की वीडियोस के ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ पे व्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। बिकॉज स्टार्टिंग में मेरे पास जो चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं वो एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं और मेरी वीडियोज़ के ऊपर वॉच टाइम भी जो है वो भी आता है। अब गाइज यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है आप लोगों की अर्निंग के ऊपर। जब आप लोग अपने चैनल को मोनेटाइजेशन में डाल देते हो, मोनेटाइजेशन में डालने के बाद आपके चैनल के ऊपर अर्निंग होना शुरू हो जाती है। अब अर्निंग होने के बाद जब आप लोग बहुत सारे लोगों की ऐसी कंप्लेंट आती है कि गाइस हमारे चैनल के ऊपर बहुत ही कम अर्निंग हो रही है, बिकॉज अर्निंग कम होने के रीज़न होता है कि उनके चैनल के ऊपर व्यूज़ कम आ रहे हैं बट सब्सक्राइबर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बट सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि उनके वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ भी आएंगे। अब व्यूज़ ना आने के रीज़न यही होता है कि आपके चैनल के ऊपर इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बने हुए हैं। अब यहाँ पे गाइस आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी वीडियोज़ को उन्हीं
उनके साथ ही शेयर करिए जो आपकी वीडियोस के अंदर इंटरेस्टेड हैं। जैसे कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो अगर मेरे चैनल के ऊपर इनएक्टिव सब्सक्राइबर्स होंगे तो मेरी वीडियोस के ऊपर बिल्कुल भी व्यूज नहीं आएंगे, बट अगर मेरे चैनल के ऊपर एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरी चैनल की वीडियोस को देखते हैं, वॉच करते हैं, उन वीडियोस की वजह से मेरे चैनल के ऊपर बहुत ज्यादा वॉच टाइम जो है वो भी आए। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे आप लोग अपने चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 तक का वॉच टाइम जो है वो आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं बिना किसी ट्रिक को फॉलो किए हुए, और लेकर आ सकते हैं अपने चैनल के ऊपर एक्टिव सब्सक्राइबर जो कि आपके चैनल को ग्रो करने में हेल्प करेंगे और आपके चैनल के ऊपर वॉच टाइम भी इजीली कंप्लीट हो जाएगा। सो वीडियो अगर अच्छी लगेगा गाइस लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।